हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम पनीर बनाने वाले हैं, वो भी घर पर। होममेड पनीर कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम जब बाज़ार से पनीर लेने जाएंगे तो हमें बहुत ही महंगा मिल रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज आपको होममेड पनीर कैसे बनाते हैं वो रेसिपी बता दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक भगोने में दूध को बॉईल होने के लिए गैस पर रख दिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। हम पनीर के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ करेंगे, एक दूध और दूसरा है लेमन यानी नींबू। तो पहले हम ये 1 लीटर दूध जो हमने लिया है उसे अच्छी तरीके से एक उबाल आने तक बॉईल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा उबाल आ रहा है, दूध उबलने लग रहा है। हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उबालेंगे। दूध अच्छे से उबल रहा है तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे यानी लो फ्लेम पे कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये लेमन जूस है वो डाल देते हैं और इसे हल्के हाथों से इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा दूध फट गया है। अब हम ये फ्लेम जो है ऑफ कर देते हैं। हमें बस दूध के फटने का ही इंतज़ार था, दूध फट चुका है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तब तक ये पानी दूध सब अलग हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा दूध अच्छे से फट गया है, ये अभी भी बहुत गर्म है। पानी और जो हमारी पनीर होने वाली है वो अलग हो चुकी है। अब हम इस पनीर को इस पानी में से अलग कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, एक बड़ा सा, और एक कॉटन का या मलमल का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप। इसे इस तरीके से बिछा लें और ये जो हमारा पनीर जो हमने दूध को फाड़ा था उसे इसमें डाल लें। सारा इसमें ऐसे डाल ले। अब इसमें का सारा पानी अलग हो जाएगा। हमें इस तरीके से ये कपड़े को उठा लेना है। और एक तरफ सारा ऐसे करके सारा पानी अच्छे से निकाल लेना है। इसे इस तरीके से गोल कर ले और सारा पानी निकाल ले। फिर बहुत गर्म है, हमें इसे केयरफुली करना होगा। तो हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे इसे पानी सारा निकालने के लिए। ये देखिए, मैंने एक प्लेट रख दिया है उस पर। अब हम इस पनीर को सही से गोल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से दबाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से। यही टाइम है हमें उस तरीके से करना होगा जिस तरीके से हमें इस पनीर को शेप देना है। और अब इसके ऊपर हम कुछ हैवी चीज़ रख देंगे। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रख रही हूँ प्रेस करने के लिए,
आप कोई भी चीज़ रख के इसे प्रेस करने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए हमें इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि हमारा पनीर में से सारा पानी निकल जाए और हमारा पनीर जो है वो अच्छी तरीके से फिट हो जाए। मैंने आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसे खोलकर देखते हैं हमारा जो पनीर है वो सेट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारा पनीर बिल्कुल सेट हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसे पीसेस में कट करके आपको अभी बताती हूँ। पहले इसे पीसेस कर लेते हैं नाइफ की मदद से। हम इस तरीके से हमारे पनीर को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारा पनीर कट कर लिया है। अब हम आपको एक पीस लेके बताएंगे। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा बना है हमारा पनीर। अब आप इसे कोई भी पनीर की रेसिपी बना सकते हैं, या आप पिज़्ज़ा पनीर पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, पनीर की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कोई ना कोई पनीर की रेसिपी। आप इस पनीर को अभी का अभी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में ये सारे पनीर डाल लीजिए, उसमें पानी डालकर इसे 1 वीक तक हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगने लगे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।